नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी कृतिका जोशना और इंजीनियर संतोष कुमार ने कलेक्ट्री परिसर में जल जीवन मिशन जागरूकता रैली की वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुल्तानपुर तहसील सदर में तहसीलदार ऑफिस के बाहर कपकपाती ठंड में कंबल के लिए इंतजार करती एक वृद्ध महिला। आपको बता दें कि कंबल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा जरूरतमंद गरीब महिलाओं को। अमेठी में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों ने मिलकर दिव्यांग शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया। शिविर में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण किया गया। अमेठी में सभी थानों ने अपने अपने थानों के क्षेत्र में आने वाली बैंक एटीएम ग्राहक सेवा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर दोपहिया वाहनों की चेकिंग की। अमेठी में कमरौली थाना के कठौरा पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल पंप के लिए चालक परेशान दिखे और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई है। अमेठी में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की। अमेठी में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मोहनगंज टीम ने पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाकर एक साथ रहने के लिए राजी किया और दोनों को समझा बुझाकर घर भेजा। अमेठी में चौपाल लगाकर प्रतापगढ़ के किसान नेता सुनील मिश्रा और यूनियन के जिला सचिव अजय मिश्रा ने किसानों की समस्याओं को सुना और जिला प्रशासन को पत्र देकर अवगत कराया। अमेठी में ड्राइवरों की हड़ताल के बाद से पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल खत्म हो गए हैं, जिससे भारी समस्या का सामना करना पड़ा। जगदीशपुर में सभी पेट्रोल पंप में डीजल मिलना बंद हो गया है। अमेठी के पीपरपुर में मौजूद असल देव ग्राउंड में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों के लिए 21 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। अमेठी पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने परेड का मान प्रमाण पत्र ग्रहण करते हुए परेड का निरीक्षण किया। रामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। रामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने पुलिस ऑफिसर्स कार्यालय शाखाओं का निरीक्षण कर अभिलेख रजिस्टरों के रखरखाव को चेक किया। रामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने थाना मिलक खाना और खजूरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया और साथ ही महिला हेल्प डेस्क के साथ साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामपुर में क्षेत्र अधिकारी शाहबाद ने पटवाई के वृद्ध आश्रम में नववर्ष के मौके पर पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और उनको फल गुड़ की पट्टी गजक और मूंगफली वितरित कर उनका हार चाल जाना। रामपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और क्षेत्र अधिकारी नगर ने नववर्ष के मौके में शहर में पैदल गश्त किया। रामपुर जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में नववर्ष के मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान पुनर्वास केंद्र पहुंचकर केंद्र में भर्ती बच्चों के परिजनों को नववर्ष की बधाई दी। बरेली में धोपेश्वर मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। साल के पहले दिन 1 जनवरी को दर्शन करने वालों की लंबी भीड़ लगी रही। अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाथ में गन्ना और झंडा लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। गन्ने का मूल्य न बढ़ाए जाने और किसानों के ट्यूबवेल बिजली का बिल माफ न करने से किसान नाराज हैं। अयोध्या बेनीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह ने फीता काट कर किया। अयोध्या राम सेवकपुरम में भगवान श्री राम लला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 440 टन खुशबूदार बासमती चावल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पहुंच चुका है। जौनपुर में किराकत एसडीएम नेहा मिश्रा ने किराकत तहसील के ग्राम सभा नरहन में लगभग 25 वनवासी परिवारों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किया और ठंड से बचने के अलाव की समुचित व्यवस्था कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। जौनपुर में किराकत नगर पंचायत सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति जायसवाल की अध्यक्षता में सभी सभासद और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक हुई। जौनपुर में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने का आदेश दिया। बहराइच जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी, एसपी प्रशांत वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के पालन करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। बहराइच पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने कार्यालय पर जनता दर्शन में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना और उसके संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण जांच कर निस्तारण करने का आदेश दिया। लखीमपुर खीरी शहर में रोडवेज बस अड्डा, पलिया बस अड्डा, बेजहम बस अड्डा समेत सभी बस अड्डों पर हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में ड्राइवरों की हड़ताल के चलते शहर के सभी पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल खत्म हो गया है, जिससे जनता को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इन खबरों से आप Facebook के जरिए जुड़े तो पेज को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।